हाट पिपलिया उपचुनाव को लेकर भाजपा में कोई अंदरूनी मतभेद नहीं है, यह बताते हुए हाट पिपलिया की सह प्रभारी गायत्री राजे पवार ने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। हाट पिपलिया विधानसभा में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। हाट पिपलिया विधानसभा की सह प्रभारी गायत्री राजे पवार ने देवास में पत्रकार वार्ता लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव से पहले सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में जो प्रदेश में अराजकता का माहौल बना था, वह भी प्रदेश की जनता को पता है। देखिए, इस साल की जो फसल नष्ट हुई है उसमें मैंने खुद ने कलेक्टर के साथ बैठ के सबसे ऊँचा स्लैब जो है 50% से ऊंचा जो होता है, जिसे 100% बोला जाता है पर 50% से ऊंचा होता है, वो स्लैब में मैंने पूरे देवास ज़िले को डलवाया है। ये मैंने खुद ने किया है, इसलिए मुझे गारंटी है इस साल की जो फसल नष्ट हुई है उसमें हाईएस्ट स्लैब में अपने को मिलेगा। पिछले साल का जो सरकार ने तय किया था अलग अलग क्षेत्रों को जो भी इसमें, वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो सरकार अलग थी, उन्होंने जो तय किया था। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, शिवराज सरकार के एक हिस्सा होने के नाते आपको इतना वादा कर सकती हूँ कि जो भी तय हुआ था पिछली सरकार का, और जितने लोगों ने बिना बीमा करवाया था, जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनको उनका बीमा मिलेगा, इसके लिए मैं आश्वस्त कर। हाट पिपलिया सीट पर भाजपा के अंदरूनी मतभेद को नकारते हुए गायत्री राजे ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा के मनोज चौधरी प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल करेंगे। हाट पिपलिया में सभा करने जा रहे हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, और खास करके इन विगत दिनों में पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर हमने 8-9 दिन के जो कार्यक्रम रखे हैं, जिनमें हमने सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है और उनको लोकार्पित करने की कोशिश की है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में ब्रीफ करना चाह रही थी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान गायत्री राजे पवार ने यह भी कहा कि उपचुनाव में हाट पिपलिया सीट पर हमारी पार्टी के साथ भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जीत निश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देवास।